Hello students, myself Ranjita Chaudhary, and today we will study about the physical and chemical properties of acids. First of all, the physical properties, we came to know about the physical properties of acid. Physical properties of acid, first property is that acids are sour in taste, acid can conduct electricity, acids have tendency to show the effect with indicators. इफेक्ट विद इंडिकेटर्स, इंडिकेटर हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे. इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एसिड और बेस. ओके, इंडिकेटर एसिड जितने भी होते हैं वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस में. फर्स्ट लिटमस की बात हम कर रहे हैं. सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज. इट इज अ केमिकल कंपाउंड जो हमें बताता है कि वो अगर हम एसिड में डाल रहे हैं उसको तो वहां पे वो पिंक कलर देता है, जबकि अगर हम बेस में डाल रहे हैं तो वहां पे वो येलो कलर देता है. ठीक है, हम एसिड की बात कर रहे हैं. तो मिथाइल ऑरेंज कैन बी कन्वर्टेड टू पिंक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. व्हाइल द फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन भी एज इंडिकेटर यूज किया जाता है लेबोरेटरी में. तो फिनोफ्थलीन कैन कन्वर्ट इट इन टू द कलरलेस सॉल्यूशन. ओके, इट हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये मैंने पहले पॉइंट बोला है. व्हाई इट शो कंडक्टिविटी? So, when an acid in the aqueous solution of acid, when electric current is passed, it converts into cation and anion. 2H positive, SO4 minus 2 negative में convert हो गया है. और यहाँ पे हम एक चीज बड़े समझ के रखनी है कि जितने भी substance cation और anion रखते हैं, जितने भी solutions में ion present होते हैं, वो सब conductivity show करते हैं. तो यहाँ पर ये कटायन अनायन फॉर्मेशन कर रहा है. ये रीजन होता है कि एसिड कंडक्टिविटी शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू. नेक्स्ट है यहाँ पर टेस्ट हमें समझ में आ गया. सॉल्यूशन के थ्रू कंडक्टिविटी समझ में आ गई है और यहाँ पर इंडिकेटर इफेक्ट हमने पढ़ लिया है. नाउ इट इज द फिजिकल स्टेट. एसिड जितने भी होते हैं वो सब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सॉलिड का मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, बोरिक एसिड. बोरिक एसिड एक व्हाइट पाउडर आता है. जैसे आई फ्लू किसी को हो जाता है तो आपको डॉक्टर एक व्हाइट पाउडर देता है, उसको आप पानी में डाल के और आइस वॉश कर लेते हैं. वो बोरिक एसिड है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है. टार्ट्रिक एसिड में तो सॉलिड फॉर्म में रहता है. आप लाते हैं मार्केट से पनीर बनाने के लिए, दूध में डाल देते हैं उसको, तो वो टार्ट्रिक एसिड. नाउ लिक्विड स्टेट में कौन कौन से एसिड है? एसिडिक एसिड विनेगर, सिरका जो मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में होता है. Now it is the time of chemical properties of acid. Chemical properties of acid can be identified by the chemical reactions. हम यहाँ पर पढ़ेंगे chemical reactions. First है reaction of acid with matter. Chemical reaction means reaction of acid with metal. Metal के साथ में अगर हम reaction करा रहे हैं, when metal react, suppose हमने लिया sodium metal, when metal react with acid, H2SO4 के साथ में हमने लिए reaction, तो it forms salt with the evolution of hydrogen gas. यहाँ मैं रुक के आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी ऐसे मेटल होती हैं जो रिएक्शन कर पाती हैं एसिड के साथ में और एसिड से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देती हैं. वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई है, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, व्हाइल द अदर मेटल विच आर फाउंड इन लोअर साइड फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई है, वो डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी नहीं रखते क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होती है. राइट, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेस. व्हेन बेस हमने यूज किया है यहाँ पर NaOH, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जिनमें OH नेगेटिव आयन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें कहते हैं हम बेस. ठीक है, NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं. सपोज HCl की, मींस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म NaCl प्लस H2O. इस रिएक्शन को समझाने के लिए हम इस तरह से देखें कि H और OH साथ में रिलीज हो गए और Na और Cl आपस में कंबाइंड हो गए. ठीक है, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड की. मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, ऑल द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कैन रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट
with water. Okay, for example, Na2O plus HCl, it gives, यहाँ पर देखिए आप H और O combine कर जाएंगे and 2NaCl will be formed with H2O. H2O only form. Right? Now, the next reaction is reaction of acid with metal carbonate. मेटल कार्बोनेट जितनी होती है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जितनी भी होती है वो सब मेटल बाइकार्बोनेट सारी की सारी यहाँ पर बेसिक इन नेचर होती है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एंटासिड की जगह यूज की जाती है मेटल बाइकार्बोनेट. मेटल बाइकार्बोनेट मीन्स मैं बेकिंग सोडा की बात कर रही हूँ. बेकिंग सोडा यहाँ पे हम उनके बता दें, बेकिंग सोडा इट इज द मेटल बाइकार्बोनेट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग सोडा. इसको बेकिंग सोडा इसलिए कहते हैं. ठीक है, 98% या 99% मेटल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा के अंदर. ठीक है, मींस मेटल कार्बोनेट से जब भी रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस. मींस व्हेन HCl रिएक्ट विद Na2CO3 acid react with base, it forms salt means NaCl, water and CO2 gas. Reaction को हम balance करेंगे यहाँ पर. ठीक है, 2HCl और यहाँ पर 2NaCl. Right? Second reaction, when an acid react with metal bicarbonate NaHCO3, same है, salt form होगा NaCl, water form होगा and CO2 form हो जाती है. Okay. Now, the next reaction is reaction with metal sulfide. जितने भी मैं कंपाउंड यहाँ पर बता रही हूँ, एसिड हमेशा बेस से रिएक्शन करता है. कुछ डायरेक्ट बेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH, MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस. कुछ एक्वस सोल्यूशन बेसिक बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसिड इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्यों? क्योंकि एसिड हमेशा बेसिक नेचर के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज टाइप रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, और अगर मैं कहूँ HCl और H2SO4 को हम कंबाइंड करा रहे हैं, आइदर दे टेकन एनी रिएक्शन, नहीं, क्योंकि एसिड एसिड में रिएक्शन, एसिड और एसिड की कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो सिर्फ एक कंपोजिट फॉर्म होगी. ठीक है, तो एसिड हमेशा बेस से रिएक्शन करता है. जितने भी कंपाउंड में यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वो या तो बेस है या फिर उनके एक्वस सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा. मींस अगर मैं बात कर रही हूँ मेटल सल्फाइड की, मेटल सल्फाइड मींस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर H2SO4 के साथ, सपोज हम कर रहे हैं, तो इट कन्वर्ट इनटू Na2SO4 सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O प्लस में SO2 गैस. ठीक है, सल्फाइड यहाँ कन्वर्ट हो गया सल्फेट में. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सल्फाइड से रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी बेसिक सॉल्यूशन देता है वाटर में मिलाने के बाद. ठीक है, वाटर का जो सॉल्यूशन होता है इसका, वो हमेशा बेसिक इन नेचर होता है. नेक्स्ट इसमें सल्फाइड के बाद, इफ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट विद वाटर. क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जितनी भी होती है वो सारी बेसिक इन नेचर होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक इन नेचर होती है. ठीक है, व्हेन अ मेटल ऑक्साइड में सपोज वी हैव टू यूज Na2O, हमने यूज किया है यहाँ पर, व्हेन Na2O इज रिएक्ट विद HCl इट कन्वर्ट इनटू 2NaCl विद H2O एंड इट इज अ बैलेंस रिएक्शन. राइट, अब इसके लिए हम, जैसे हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी है, तो इतनी सारी रिएक्शन याद करने के लिए एक हम समरी चार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे. ठीक है, और ये होता है हमेशा रिवीजन के लिए, ये रिवीजन पार्ट होता है. मीन्स समरी चार्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मीन्स हम यहाँ पे कौन सा एक एसिड यूज कर रहे हैं, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज द एसिड विच इज यूज ऑलमोस्ट इन ऑल द एक्सपेरिमेंट, इसीलिए इसको कहते हैं हम किंग ऑफ केमिकल्स. राइट, आप किंग ऑफ केमिकल की रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं, सपोज जिंक से करा रहे हैं, आपको ये समरी चार्ट रीड कैसे
करना है H2SO4 when react with zinc it form ZnSO4 plus hydrogen gas. यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि समरी चार्ट में रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है. यू हैव टू ओनली यूज कि किसकी रिएक्शन से क्या रिएक्टेंट और क्या रिएक्टर किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, बस आपको ये स्टडी करना है. सपोज व्हेन एमजी रिएक्ट विद H2SO4 इट कन्वर्ट इनटू MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ नेक्स्ट when it react with NaOH, H2SO4 acid है, NaOH base है, तो यहाँ पे reaction होने के बाद क्या form होगा? Na2SO4 plus में H2O. Okay? Next है, suppose Na2O के साथ reaction करा रहे हैं, metal oxide are basic in nature, acid के साथ reaction कर रहे हैं, तो क्या form होगा? Na2SO4 और plus में H2O. सल्फाइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं Na2SO3, सल्फाइड भी गैस है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है. तो ये फॉर्म होगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2. व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट मींस Na2CO3, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. When an acid react with metal bicarbonate, metal hydrogen carbonate भी इसको हम बोल सकते हैं. For example, NaHCO3, it convert into Na2SO4 plus H2O plus CO2. ठीक है? यहाँ ये chemical properties acid की complete हो गई है. अब यहाँ पर आप देखेंगे, जितनी भी metal होती है, वो हमेशा basic in nature होती है. ठीक है, अब एसिड की बेस से रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. दोनों यहाँ पे ये क्या है, मेटल है, NaOH इट इज अ बेस, और हम इसको बेस के साथ साथ एल्कली भी कह सकते हैं, बिकॉज एल्कलीज आर दीज टाइप ऑफ बेस विच हैव सॉल्युबिलिटी विद वॉटर. ठीक है, वॉटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी रखते हैं उस टाइप के बेस को हम कहते हैं एल्कलीज. Na2O metal oxide are basic in nature. Na2SO3 metal sulfide का एक सॉल्यूशन हमेशा बेसिक होता है. सो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट दीज सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशन आर द बेसिक इन नेचर. ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. ठीक है, और आपको इसके आगे हम कराएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, उनके यूजेस, सॉल्ट्स. ठीक है, नाउ आपको इस तरह की वीडियो फिर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.